बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं पाक स्पोर्ट्स। दोस्तों, अगर आप 2023 में पीसीबी क्रिकेट के ट्रायल्स देना चाहते हैं, फिर चाहे आप अंडर 13 हैं, अंडर 16 हैं, अंडर 19 हैं, या फिर अंडर 19 से क्रॉस कर चुके हैं यानी कि आप सीनियर्स में जा चुके हैं, तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जिससे आप एलिजिबल होंगे 2023 में पीसीबी के ट्रायल्स देने के लिए। अगर आप इस वीडियो को एंड तक वॉच नहीं करते हैं तो आपको नहीं पता चलेगा कि 2023 में किस तरह से ट्रायल्स होंगे, किस तरह से हम एलिजिबल होंगे पीसीबी के क्रिकेट ट्रायल्स देने के लिए। तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको क्रिकेट से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं अंडर 13 और अंडर 16 के ट्रायल्स के बारे में, कि अंडर 16 के लिए सिटी क्रिकेट एसोसिएशन की किस तरह से सिलेक्शन होगी और प्रोविजनल की किस तरह से सिलेक्शन होगी। तो यहां पर हम बात करें अंडर 13 और अंडर 16 की, तो यहां पर करवाई जाएगी एक स्कूल चैंपियनशिप। अब यह स्कूल चैंपियनशिप किस तरह से करवाई जाएगी, ये करवाई जाएगी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जी हाँ दोस्तों, यानी कि एक जिला में जितने भी स्कूल्स होंगे जो खुद को रजिस्टर्ड करवाएंगे, जो अपनी टीमें भेजेंगे, उन स्कूल्स के अंदर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, तभी आप इस स्कूल चैंपियनशिप का पार्ट बन सकते हैं। जब आप इस स्कूल चैंपियनशिप खेलेंगे उसके बाद आपको करना क्या है, आपको इस स्कूल चैंपियनशिप के अंदर परफॉर्म करना पड़ेगा। जब आप इस स्कूल चैंपियनशिप के अंदर परफॉर्म करेंगे तो यहां पर आपकी जो परफॉर्मेंस देखी जाएगी सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के लिए। अगर आपने स्कूल चैंपियनशिप के अंदर परफॉर्म कर दिया तो उसके बाद आपको सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के लिए ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया जाएगा। लेकिन यहां पर अंडर 16 और अंडर 13 के लिए एक और अपॉर्चुनिटी है, वो है क्लब। आपको एक क्लब भी मस्ट लाजमी ज्वाइन करना है जो पीसीबी से रजिस्टर्ड हो। अब आप जब क्लब ज्वाइन कर लेंगे, उसमें रजिस्टर्ड हो जाएंगे, तो यहां पर डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्लब्स की पीसीबी की तरफ से एक लीग करवाई जाएगी जिसके अंदर आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। यानी कि उसमें मेंशन किया जाएगा कि ये बंदा सीनियर डिस्ट्रिक्ट का है, ये अंडर 19 का है, ये अंडर 16 का है, ये अंडर 13 का है। तो उसके अंदर होगा क्या, जब आप उस टूर्नामेंट के अंदर परफॉर्म करेंगे, एक्टिव रहेंगे, तो आप सिलेक्टर्स की नज़र में आएंगे। अगर आप उस लीग में परफॉर्म कर देते हैं और स्कूल चैंपियनशिप में आपने ऑलरेडी परफॉर्म किया हुआ है, तो आप 110% सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए अंडर 16 और अंडर 13 के पास दो अपॉर्चुनिटीज हैं, स्कूल चैंपियनशिप और क्लब चैंपियनशिप। तो आपने क्लब लाजमी ज्वाइन करना है जो पीसीबी से रजिस्टर्ड हो। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अंडर 19 के लिए। तो अंडर 19 की सिलेक्शन भी सेम इसी तरह से होगी, लेकिन अंडर 19 के लिए कोई भी स्कूल चैंपियनशिप नहीं करवाई जाएगी। अंडर 19 के लिए आपको कोई क्लब ज्वाइन करना पड़ेगा अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो पीसीबी से रजिस्टर्ड हो। जब आप उस क्लब को ज्वाइन कर लेंगे तो उसके बाद आपको उस लीग में परफॉर्म करना है जो पीसीबी की तरफ से होगी। यानी कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी क्लब्स होंगे उनके आपस में एक लीग करवाई जाएगी। तो आपने किसी रजिस्टर्ड क्लब में रजिस्टर्ड हो जाना है और उसके बाद आपने उस टूर्नामेंट के अंदर जो पीसीबी की तरफ से डिस्ट्रिक्ट क्लब्स का करवाया जाएगा उसमें परफॉर्म करना है। जब आप उस क्लब चैंपियनशिप के अंदर परफॉर्म करेंगे तो आपकी सिलेक्शन भी ऑटोमेटिकली सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर हो जाएगी। उसके बाद जब आप सिटी क्रिकेट एसोसिएशन में परफॉर्म करेंगे तो उसके बाद आपकी सिलेक्शन प्रोविजनल के लिए हो सकती है, यानी कि सूबे की टीम में हो सकती है। तो इस तरह से आप अंडर 19 के लिए सिलेक्ट होंगे। तो अब बात करते हैं कि सीनियर डिस्ट्रिक्ट के लिए हम किस तरह से सिलेक्ट हो सकते हैं। तो सीनियर डिस्ट्रिक्ट के लिए भी यहां पर सेम प्रोसेस है, आपको कोई क्लब ज्वाइन करना है और उस क्लब की क्लब चैंपियनशिप खेलनी है जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर करवाई जाएगी। जिस तरह से मैंने पहले बताया अंडर 19 और अंडर 16 के लिए, उसी तरह से आपको उस क्लब चैंपियनशिप में परफॉर्म करना है। तो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट की एक कम्युनिटी लीग करवाई जाएगी सीनियर डिस्ट्रिक्ट के लिए। जो भी अच्छे परफॉर्मर्स होंगे क्लब चैंपियनशिप के अंदर, उन्हें कम्युनिटी लीग में डाल दिया जाएगा। यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी लड़के अच्छे परफॉर्मर होंगे उनकी आपस में टीमें बनाई जाएंगी और एक कम्युनिटी लीग बनाई जाएगी, कम्युनिटी लीग कराई जाएगी। अब इस कम्युनिटी लीग में आपको अपना 110% देना होगा, उसमें आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। जब आप उस कम्युनिटी लीग में परफॉर्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो सिलेक्शन
सिलेक्शन होगी वो सीनियर डिस्ट्रिक्ट के लिए हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि सीनियर डिस्ट्रिक्ट के लिए कोई भी एज लिमिट्स नहीं है। अगर आप 18 प्लस हो चुके हैं तो आप सीनियर डिस्ट्रिक्ट के लिए इजीली सिलेक्ट हो सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जितना भी प्रोसेस है सारा आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।